अच्छा मैं वापस से एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है। ये शुरुआत में लिखा है बरेलवी मुसन्नी को मुनाजिर की तारीख की छतरोल, ठीक है, ये गौर से सुनो। हाँ, इसके अंदर देखिए तैमूर रजा खानी ने सबसे पहले किताब पेश किया तख्ती में हिंद नामी, दूसरी किताब पेश किया अकीदा तकिया नामी किताब का हवाला, तीसरी किताब मौलाना उबैदुल्ला सिंजर उनके चंद अहम असर, चौथी किताब हयात उस्मानी, पांचवी किताब इफादात व मलफूजात, छठी किताब पेश किया मौलाना अबू बकर गाजीपुरी की गैर मुकल्लिदीन की डायरी, ये छह किताब पेश किया बतौर नमूना। अब देखिए तैमूर रजा खानी अपने घर के उसूलों का खून करके दज्जाल मक्कार कद्दाब बेशरम कैसे साबित होता है, बरेलवी मौलवी खटमुल्ला ड्राइवर अब्दुल कादिर सुन। अब ये पहला जो उसूल है हमारे लिए वो दलायल हुज्जत बन सकते हैं जो अकाबरी ने अहले सुन्नत व जमात के नौ के कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत व जमात का तशब्बुस कायम है। ये किताब है मसूद चिश्ती की किताब कशफुल किना जिल्द एक सफा 205। अब जो दूसरा उसूल है कशफुल किना जिल्द एक सफा 269। देवबंदी मौसूफ का दावा अकाबरी ने देवबंद के फतवों का है, मगर देवबंदी मौसूफ इस मामले में दौरे हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाए। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अकाबरीन की तस्लीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में आने के नाकाम रहे, जो कि उनकी शिकस्त पास की दलील है। अब देखिये तैमूर रजा खानी ने अपनी शिकस्त की दलील दे करके शिकस्त का ऐलान किया। अब देखिए जो इसके बाद हवाला है वो ये है कि देवबंदी अकाबरीन की कौन कौन सी किताबें तैमूर को पेश करनी चाहिए थी। अब ये देवबंदी मजहब के अंदर लिखा है सफा नंबर 92 पे कि देवबंद के सिर्फ 6 अकाबरीन है। अब तैमूर रजा खानी को चाहिए था कि देवबंद के 6 अकाबरीन किताब पेश करता, बल्कि तैमूर रजा खानी ने 6 अकाबरीन को छोड़कर दूसरी किताबें पेश किया, लिहाजा इसकी शिकस्त हो गई। अब इसकी शिकस्त से फाश की दलील खुद इसके बरेलवी मौलवी के उसूल से ऐलान हुआ, ठीक है। अच्छा, और एक और तैमूर रजा खानी ने एक और किताब पेश किया इफादात व मलफूजात इमाम उबैदुल्ला सिंधी प्रोफेसर की, ठीक है। अब इस किताब को पेश किया तो मलफूजात के तालुक से बरेलवी उसूल भी देखिए, ये मेरे पास कलीमा हक शुमारा है, इसका सफा नंबर 42 है। इसके अंदर हशमत अली रजवी के तालुक से लिखता है कि किसी के मलफूजात उसके लिखे हुए नहीं होते, मलफूजात की तरतीब का ये कायदा होता है कि किसी बुजुर्ग की खिदमत में उसके मुतवस्सिलीन जो हाजिर हुआ करते हैं उनके इरशादात सुनकर अपने अपने मकाम पर पहुंचकर अपनी याददाश्त के मुताबिक कलमबंद कर लेते हैं। मलफूजात में अगर कोई गलती वाकई हो जाए तो कलमबंद करने की याददाश्त की गलती समझी जाएंगी, इस गलती की बिना पर खुद साहिब महफूज पर एतराज करना बेईमानी और खबासत नफ्सानी है। अब देखिए दूसरा उसूल आयना अहले सुन्नत सफा 183, मलफूजात में साहिब महफूज की इबारत बेईनिया मनकूल नहीं होती बल्कि रिवायत बिलमानी होती है और ताबे से गलती हो जाना मुमकिन है, जैसा कि अहले इल्म पर ये बात मखफी नहीं। अब देखिए तैमूर रजा खानी अहले इल्म नहीं जाहिल है जबकि उसमें बात मखफी नहीं है, और ये बरेलवी मौलवी अब्दुल काजी ड्राइवर तैमूर का चेला बरेलवी मौलवी अब्दुल काजी ड्राइवर उसकी हिमायत में बन के आया और जलील हुआ। अब ये बरेलवी मौलवी अब्दुल काजी ड्राइवर और तैमूर का जो चेला है ये जलील कैसा हो रहा है देखिए। ये अभी मेरा हदिया है बरेलवी पर एक नजर किताब है, ये सफा 153 है कि ये ऐसा मक्कार दज्जाल धोखेबाज है कि मुसलमान उसूलों का खून करते हुए भी इसे जर्रा भर हया नहीं आती। तैमूर रजा खानी मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब साबित हुआ कौन से, ये बरेलवी उसूल से, या अधिया बरेलवी पर एक नजर से। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह ये पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तमाम साथी ये लिंक पर जाकर के तैमूर की हकीकत और वो उस पीडीएफ में जितने भी उसकी पूरी देख सकते हैं कि वो किस तरह शिकस्त खुर्दा और दज्जाल कज़्ज़ाब मक्कार साबित हुआ। अब देखिए तैमूर रजा खानी जब मुनाजरा शुरू हुआ था तो ये तैमूर रजा खानी अपने उसूल से मोतेबर उसका मौलवी हसन अली रिज़वी का इल्मियत का भांडा बीच चौराहे पर फोड़ दिया। अब देखिए ये तैमूर रजा खानी को जब उसूल पेश किया गया दिफा अहले सुन्नत वल जमात ने, और ये तैमूर रजा खानी ने तीन इबारात की मुमासिलत दिखा करके ये उसूल बनाया कि जो इबारात की मुमासिलत करता है वो अपनी इल्मियत का भांडा फोड़ देता है। ये मेरे पास किताब है मकालात काजमी, ये सईद अहमद काजमी किताब है,
इसके सफा नंबर 330 पर जो पूरी इबारत पूरा सफा भर के लिखा है वही मकालत काजमी की इबारत को पूरा कॉपी पेस्ट महासेबा देवबंदी हसन अली रिजवी ने अपनी किताब में सफा 467 और 468 पर कर दिया। लिहाजा इस उसूल से तैमूर रजा खानी के उसूल से अपने ही मौलवी हसन अली रिजवी की इल्मियत का भांडा भी चौराहे पर छोड़ दिया। ये तैमूर रजा खानी का था। अब मुनाजरे के आखिरी पहलू पर तबसरा करते हैं कि तैमूर रजा खानी की। अब तैमूर रजा खानी और ये जो ग्रुप था जिसमें मुफ्ती मुजाहिद साहब दामद बरकातुल आलिया मुनाजिरा अहले सुन्नत की तरफ से थे, जिसके अंदर इस ग्रुप में 5 से 6-7 एडमिन थे जो बरेलवी थे और देवबंदियों की तरफ से सिर्फ 2 एडमिन रखा जाता। अगर किसी तीसरे को बनाया जाता तो बरेलवी एडमिन उसे हटा देते। ये थी बरेलवियों की मक्कारी और खलते मबहस दौरान मुनाजरा। अब ये बरेलवी जो मुनाजिर थे प्लानिंग के तहत कर रहे थे और ये तैमूर रजा खानी जो था इसके पीछे पूरी एक टीम बैठी थी। तैमूर रजा खानी एक जाहिल है, तैमूर रजा खानी गैर आलिम है, तैमूर रजा खानी की कोई औकात नहीं है। अब तैमूर रजा खानी पूरी टीम लेकर साथ में बैठा था। तैमूर रजा खानी की साइड में एक टीम उसको सपोर्ट कर रही थी और उसकी टीम में अल्ताफ रजा खानी था जो मुफ्त बना मुफ्ती था, एक अल्ताफ रजा खानी मेसम कादरी और ये पूरी एक टीम लेकर के साइड में बैठा था जो उसको सपोर्ट कर रही थी। अब तैमूर की कोई औकात नहीं थी कि मुफ्ती मुजाहिद साहब के जवाब दे, तो ये तैमूर के जो साथी लोग है ये बीच बीच में कूद पड़ते, बीच बीच में मैसेज डालते। ये तैमूर के जो चेले लोग है ये बीच बीच में कूद पड़ते और हमारा साथी कोई एक बोलता तो उसको ग्रुप से निकाल देते। ये हाफिज अली असगर साहब पहले ग्रुप में मौजूद थे। हाफिज अली असगर साहब ने जैसे ही मुफ्ती अल्ताफ रजा खानी का तआक्कुब किए और दलाइल वो उसूल से पेश किए तो मुफ्त से बना मुफ्ती अल्ताफ रजा खानी ने हाफिज अली असगर साहब को ग्रुप से निकाल दिया। और जब तैमूर का वक्त होता बोलने का तो तमाम के तमाम बरेलवी खामोश बैठते, लेकिन जैसे ही मुफ्ती मुजाहिद साहब बोलते तमाम रजा खानी बीच बीच में बोलते और आखिर में जब देखे कि तैमूर रजा खानी ने 18 मौजूआत को छेड़ दिया। जो मौजूआत थे वो फाइल में मौजूद है, मैं मौजूआत गिन करके बताता हूँ। नंबर 1 मौजू सरकार का मानी और माइंद का इकरार। नंबर 2 सिरके पे मिशकात शरीफ का हवाला। नंबर 3 बरेलवियत की गुस्ताखिया। नंबर 4 मुनाजरा जंग पे एक नजर। नंबर 5 पीर नसीरुद्दीन नसीर और अशरफ यालवी के दीगर इख्तलाफात। नंबर 6 मौजू इज्जत बाज़ जिल्लत पे जो बात करना था, जो अहमद रजा ने हदाय के बख्शिश में लिखा था हुजूर सल्लम की तरफ जिल्लत उस तालुक से बात थी। नंबर 7 इसहाक सिंदलवी के तालुक से। नंबर 8 मौलाना नानोती रहमतुल्लाह की तरफ से। नंबर 9 इमाम बुखारी की इमाम आजम पर जरा के तालुक से। ये इसी तरीके से पूरे 18 मौजूआत थे जो तैमूर रजा खानी ने छेड़ दिया था। इन मौजूआत को मुफ्ती मुजाहिद साहब जवाब देने वाले थे कि बरेलवियों को मालूम पड़ गया था कि अब जवाब तैमूर रजा खानी को देना मुश्किल है, तो अब तैमूर रजा खानी को बचाने के लिए ये बरेलवी मौलवियों ने ग्रुप से हमारे साथियों को निकालना शुरू कर दिए। मैं बताता हूँ, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इस पे नंबर है। ये नंबर वाला जो बरेलवी एडमिनशिप था ये निकाल रहा था, ये +92312177279। ये अहले सुन्नत मुनाजरा ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर लग जाएगा। ये देखिए खुद बरेलवी लोग हमको निकाल रहे थे जबकि हमारे जो साथी थे एडमिन पे था ग्रुप और ग्रुप लॉक था, कोई भी साथी बोल नहीं रहा था, फिर भी ये बरेलवी लोग हमारे साथियों को निकालना शुरू कर दिए। यहाँ तक के मुफ्ती मुजाहिद साहब को भी एडमिनशिप से निकाल करके यहाँ पर मुनाजरे से बचने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर बरेलवियों की बहुत बड़ी शिकस्त हुई। सबसे पहले जब मुनाजरे का जब शुरुआत हुआ तब ही तैमूर रजा खानी के उसूल से मौलवी हसन अली रजवी को अपने फतवे से इल्मियत का भांडा फोड़ दिया। और नंबर 2 जब मुनाजरा जब शुरू हुआ उसके आखिरी इसमें तैमूर रजा खानी ने 6 हवाले पेश किया जो डॉक्टर प्रोफेसर के थे, जो खुद बरेलवी उसूल से बरेलवी उसूलों का खून करते हुए तैमूर रजा खानी दज्जाल मक्कार कज्जाब और बेशरम बेहया साबित हुआ। नंबर 3 बरेलवी मौलवियों की घबराहट इतनी थी कि हमारे साथियों को कारीन को जो सिर्फ कामुश थे उनको ग्रुप से निकालना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाई। और तैमूर का चेला बरेलवी मौलवी कट मुल्ला ड्राइवर काजी ड्राइवर आज उसकी हिमायत में आया और दलील हो गया, ठीक है। और यह ड्राइवर चर्सी हाफिज साहब, यह ड्राइवर चर्सी 1 नंबर का, ये पिदोरा है, ये चर्सी शराबी है, ये तैमूर का चेला है। हाफिज साहब ये तैमूर का चेला बरेलवी कट मुल्ला काजी ड्राइवर चर्सी शराबी भगोड़ा।